तो फाइनली 1.5 साल तक स्नैपड्रैगन 660 यूज़ करने के बाद कंपनीज उसके सक्सेसर हैं, नए प्रोसेसर लाने लगी हैं। बात करें लेटेस्ट लॉन्च की तो वीवो Z3 लॉन्च करा गया स्नैपड्रैगन 670 और स्नैपड्रैगन 710 के साथ। और बात करें प्राइसिंग की तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है। उसके लिए बात करें स्पेसिफिकेशन की तो उससे भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो आज के दिन देखेंगे क्या कुछ देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर। आपका ग्लोबल लॉन्च अभी कन्फर्म हुआ है कि नहीं और आपके इंडिया में आने के कब तक चांस है और किस प्राइस रेंज पर आपका आएगा, तो रिक्वेस्ट है बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक देखते रहना। तो खैर बिना टाइम पास करें जल्दी से स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 6.3 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, IPS डिस्प्ले है, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉपलेट नॉच है। बात करें फोन पतला है, 8.1 मिलीमीटर मोटा, हल्का भी है 163 ग्राम्स। उसके अलावा बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पर फिजिकल वाला। और उसके अलावा बात करें प्रोसेसर की जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो 4GB 64GB वाले वेरियंट में आपको स्नैपड्रैगन 670 देखने को मिलता है अड्रीनो 615 GPU के साथ। और आपको बता दूं 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नए जमाने का प्रोसेसर है। तो उसके अलावा बात करें दूसरे वाले वेरियंट्स की तो 664 और 128GB वाले वेरियंट्स हैं, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है। ये भी आपका 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको हल्का सा बैटरी GPU देखने को मिलता है यानी अड्रीनो 616। और क्योंकि आपने अब तक सिर्फ स्नैपड्रैगन 660 636 वाले फोन्स देखे हैं तो ऐसे में इन प्रोसेसर का आपको आइडिया नहीं होगा। तो ऐसे में थोड़ा आइडिया देने के लिए दोनों को एंटीटू स्कोर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 160,000 तक एंटीटू स्कोर्स पहुंच जाते हैं इन दोनों प्रोसेसर के, और दोनों प्रोसेसर में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता आपको। इसका कंपनी ने अच्छा काम करा है, 6 प्रोसेसर के साथ बाकी चीजें भी दी गई हैं जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 4D गेमिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है यानी गेम में जब गोली वगैरह लगेगी तो आपका फोन यहाँ पर शॉक करेगा। उसके बाद बात करें फ्रंट टच OS देखने को मिलता है एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ। उसके अलावा 3 कलर में आपका आता है, ब्लू, ब्लैक और पिंकिश कलर में। उसके अलावा बात करें बैटरी की तो 3315 mAh बैटरी देखने को मिलती है। डुअल इंजन फ्लैश चार्जिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है वीवो की अपनी। उसके अलावा बात करें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, 3.5 mm जैक भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं डुअल मेन वाईफाई भी है, डुअल 4G सब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो 2 कैमराज देखने को मिलते हैं, 16+2 MP पीछे की तरफ। और इसके अलावा सामने की तरफ सरप्राइजिंगली 12 MP का कैमरा देखने को मिलता है। इन्हें कोई सेल्फी सेंट्रिक फोन यहाँ पर नहीं बनाया गया 25 MP वगैरह देकर। पर बात करें AI वगैरह के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक बेहतरीन चीज देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको इतनी छोटी सी नॉच के अंदर IR फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, यानी कंप्लीट डार्क में भी आप फेस अनलॉक यूज कर सकेंगे। और इसके अलावा बात करें प्राइसिंग की तो उससे भी बेहतरीन रखी गई है। बात करें स्नैपड्रैगन 670 वाले वेरियंट की लगभग 17,000 रुपये रखी गई है। उसके अलावा बात करें स्नैपड्रैगन 710 वाले वेरियंट की लगभग 20,000 रुपये रखी गई है वीवो के फोन होने के बावजूद। पर एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर बता दूं, ये आपकी प्राइसिंग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद आपकी बता रहा हूँ। और इसके अलावा डॉलर का हाल अभी आपको पता है कितना चल रहा है, तो ऐसे में और कम प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बात करें ग्लोबल लॉन्च अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, जो नॉर्मल सी बात है क्योंकि आप बिल्कुल ताज़ा अभी फोन लॉन्च हुआ है। पर यहाँ पर बात करें इतना बेहतरीन फोन देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली ग्लोबल लॉन्च यहाँ पर कंपनी करेगी। और इसके अलावा बात करें इंडिया की तो आपका थोड़ा लेट देखने को मिल सकता है, पर आपकी प्राइसिंग डेफिनेटली 20,000 से कम रहने वाली है। और इसका कारण बस यही है कि आपका स्नैपड्रैगन 660 1.5 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है, अब आपको नॉर्मली 710 और 670 ही देखने को मिलेंगे बाकी फोन्स में। पर अगर कोई भी खबर निकल कर आती है तो आपको कन्फर्मेशन मिली जाएगी, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल याद से दबाना। इसके लिए रिक्वेस्ट है प्लीज बिना कंजूसी दिखा लाइक कर देना याद से फोन के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए चैनल पर रेगुलर रहो, बाकी वीडियो चैनल पर जाकर देखो, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, लाइक कर देना। मिलता हूँ स्टूडियो में, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, देन बाय।